कभी भारत का मित्र देश माना जाने वाला मालदीव अचानक से भारत के खिलाफ क्यों बोलने लगा? भारत की आर्मी से मालदीव को आखिर क्या समस्या होने लगी? दरअसल इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा यही समझना पड़ेगा कि सितंबर 2023 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से ही मोहम्मद मोइजू भारतीय सेना को मालदीव से बाहर करने पर लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं। द हिंदू ने मोहम्मद रईस मोइजू के इसी इरादे से संबंधित एक रिपोर्ट भी करी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद मोइजू ने एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि पहले ही दिन भारतीय सैनिकों को बाहर किया जाए। भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करने के लिए मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट अभियान तक चलाया था। यह अभियान चुनाव में हारे राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के खिलाफ भी था, जिनकी विदेश नीति को इंडिया फर्स्ट माना जाता था। द हिंदू ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स यानी कि MNDF के हवाले से बताया है कि मालदीव में 75 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। ये सैनिक उन डेनियर्स एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर्स को चलाते हैं जो भारत सरकार ने मालदीव को तोहफे में दिए थे। ये हेलीकॉप्टर्स 1 दशक से ज्यादा वक्त से मालदीव में। ये हेलीकॉप्टर सत्ता से बाहर हुए इब्राहिम मोहम्मद के चुनाव जीतने से पहले मालदीव में 2016 में इब्राहिम मोहम्मद ने अब्दुल्ला यमीनी को हराया था। जिस विपक्षी गठबंधन से जीतकर मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने हैं उसके मुखिया यमीन है। मालदीव के अनुरोध पर साल 2020 में डर्नियर एयरक्राफ्ट भारत ने तोहफे में दिया था। भारत की तरफ से दिए गए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी सर्च बचाव कार्य ट्रेनिंग निगरानी और रखने के लिए किया जाता है। अब देखिए सवाल ये उठता है कि आखिर मोहम्मद मोइजू को भारतीय सैनिकों की समस्या क्या है? तो द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मोहम्मद मोइजू यमीन और उनके राजनीतिक कैंप के लिए भारत से रिश्ता एक संवेदनशील मसला मानते हैं। यमीन के कार्यकाल के दौरान चीन के प्रति झुकाव किसी से छिपा हुआ नहीं था। यमीन के कार्यकाल के दौरान 2013 से 2018 तक मालदीव और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे थे। इस कार्यकाल के बाद यमीन इस बात पर जोर देते रहे कि भारत अपने हेलीकॉप्टर वापस ले जाए। हालांकि मोइजू ये कहते दिखते हैं कि वो पहले मालदीव समर्थक हैं और चीन या भारत या किसी भी दूसरे देश की सैन्य मौजूदगी को अनुमति नहीं देंगे। मोइजू कई बार चीन से मालदीव को मिली मदद पर बोलते रहे, हालांकि वो चीन समेत दूसरे देशों से मालदीव के लिए कर्ज पर कुछ नहीं बोलते। द हिंदू लिखता है कि मोइजू के बार बार भारतीय सैनिकों को हटाने की बात के पीछे 2 कारण नजर आते हैं। पहला, इंटरनेशनल मीडिया ने मालदीव चुनाव को भारत बनाम चीन की जीत के रूप में पेश किया था। ये बात मालदीव के राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए भी एक बड़ी चिंता का सबब रही कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में किसी घरेलू मुद्दे से ज्यादा भारत और चीन की जो भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उस पर बात करेंगे। और दूसरा, मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने पर मोइजू अपनी बात को दोहरा इसलिए भी रहे ताकि चुनाव से पहले समर्थकों से जो वादा किया था उसे वे पूरा कर सके। हालांकि नवंबर में राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद मोइजू की विदेश नीति का पता चलेगा। अब इनके ऊपर अगर प्रेशर की बात करें तो द हिंदू ने ही अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मोइजू ने जो वादा किया है उसे पूरा करने का दबाव तो उन पर है ही। भारतीय सैनिकों के अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जो मोइजू का इंतजार कर रहे हैं। मालदीव बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। मालदीव को 2024 और 2025 में सालाना $570 मिलियन विदेशी कर्ज चुकाना है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2016 में मोइजू सरकार को $1.7 बिलियन विदेशी कर्ज चुकाना होगा। भारत और चीन की मदद के बिना इस बड़े कर्ज को चुकाना मालदीव के लिए एक चुनौती भरा काम होगा। ये दोनों देश मालदीव के बड़े सहयोगी माने जाते हैं। अब यहां पर भारत के लिए क्या अच्छा ये भी समझ लीजिए। दरअसल बीते 4 सालों में भारत मालदीव का एक बड़ा सहयोगी बनकर उभरा। भारत मुख्य तौर पर सुरक्षा आर्थिक मोर्चों पर मालदीव की मदद करता है। मालदीव की सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने करीब $1.5 बिलियन से मदद भी करी। हिंद महासागर के इस द्वीप देश मालदीव से भारत के अपने सुरक्षा संबंधी हित भी हैं। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को लेकर भारत की चिंताएं भी। मालदीव कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सदस्य है। भारत श्रीलंका के साथ शुरू की गई इस त्रिपक्षीय पहल के साथ बाद में मॉरिशस भी जुड़ गया। इस समूह का मकसद हिंद महासागर में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन यहां पर मोइजू के मन में क्या चल रहा है ये बात लगातार लोगों के दिमाग में बनी हुई है, क्योंकि देखिए जितनी उसको चीन की जरूरत है उतनी उसको भारत को जरूरत है। लेकिन भारत विरोधी बयान दे देकर ही तो जीत कर आया है, तो ऐसे में भारत का सपोर्ट तो ले ही नहीं सकता। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।